वेलकम टू पीआर किचन फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने किचन में एक नमकीन बनाते हैं। ये चना है, काबुली चना, इससे हम एक नमकीन बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोज़ को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये चने को मैं काबुली चने को रात में भिगो दूंगी, उसमें नमक डालूंगी, थोड़ा सा सोडा डालूंगी और मैं उसमें थोड़ा सा दूध भी डालूंगी। देखिए मैंने पहले से ही रात में भिगो के रखा है, ये देखिए कितने मोटे हो चुके हैं और इनको मैं 2 सीटी तक पकाऊंगी। और इसमें देखिए मैं मसाले क्या डालने वाली हूँ, ये मेरी काली मिर्च पेपर, ये मेरा साइट्रिक एसिड है, लाल मिर्च, सादा नमक और काला नमक। इसमें अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि साइट्रिक एसिड काफ़ी तीखा सा खट्टा सा होता है। इन सबको मिला करके मैं हैंड से ग्राइंड कर लूँगी और मैं इसको जब वो तल करके प्रिपेयर हो जाएगा उसके ऊपर डालूँगी। चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं प्रेशर कुकर में रखती हूँ। प्रेशर कुकर को आप ध्यान रखिएगा 2 सीटी होनी चाहिए और 2 सीटी के बाद आप सीटी खोलिए। और अगर आप 1 सीटी लगा रहे हो तो 1 सीटी को अपने आप से कुकर को ठंडा होने दो। फिर चने निकाल करके मैंने देखिए टॉवल पर फैला लिए हैं और ये चने इतने गले होने चाहिए कि वो हमारे थंब और फिंगर के बीच से दब जाएं। इसको मैंने टॉवल पर फैला लिया जिससे इसके का जो पानी है वो सब सूख जाए। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं चने डालूंगी। ऑयल मेरा मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चने बहुत कड़क हो जाते हैं। और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी हमारे चने बहुत टाइम लेते हैं पकने के लिए। इसको मैं ढक के पकाऊंगी क्योंकि कई बार जो है चने उछल करके आ जाते हैं तो उससे जलने का बहुत डर रहता है। इसको मैं बीच बीच में से चेक करती रहूंगी कि ये कितना हो गया है। जब ये चने मेरे हो जाते हैं तो इसमें आवाज़ आने लगती है एकदम क्रिस्प सी। तो सबसे ज़रूरी ये मेथड है कि आप इसको बहुत धीरे धीरे आराम से पकने दो। जब हमारे चने होने लगते हैं, नियरली कुक होने लगते हैं तो ये ऊपर आ जाने तैरने लगते हैं। ये देखिए हमारे चने लगभग हो गए हैं। इनको अब मैं एक टिश्यू पेपर पर, मैंने प्लेट को एक टिश्यू पेपर से कवर कर लिया और उस पर मैं निकालती जाऊंगी। आप टेस्ट करना मत भूलिएगा कि ये चने पके हैं या नहीं, उसको गिरा करके आप टेस्ट कर लेना कि वो अच्छे से आवाज़ आ रही है उसमें या नहीं। और जो मेरे चने हार्ड हो रहे होंगे वो मेरे नीचे ही होंगे, वो ऑयल में ऊपर नहीं आए होंगे। इस तरह से हम अपने हार्ड चने और सॉफ्ट चने अलग कर सकते हैं। इसको सारे चनों को मैं पेपर पर जब निकाल लूँगी तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है उसको बहुत अच्छे से पोंछ दूंगी। आप अपना किचन टॉवल भी ले सकते हो, मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ और मैं उसको बराबर से अच्छे से उसको पोंछ करके उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दूंगी। आप देख रहे होंगे इसके बाद जो मैंने अपना नमक प्रिपेयर किया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। मैंने हाथ से इसको ग्राउंड किया है, ये देखिए मैंने नमक डाला। ये नमक बहुत ही टेस्टी होता है, आप किसी भी नमकीन पर डालोगे, चाट में डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मुझे मिक्स कर लेना होगा। ये देखिए हमारा नमकीन अभी तैयार हो गया है। इसको मैं एक सर्विंग बोल में सर्व करती हूँ। ये मेरा नमकीन रेडी है। आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। खाइए, खिलाइए और हमें ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आप